इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और ठीक होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और अभी क्या है? हाँ, ये बचा है टमाटर जो कि कम पका हुआ है। एक्चुअली अच्छा है, मैं टमाटर ज़्यादा खाती नहीं हूँ ना, तो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा, चलेगा। और फ्रिज में रखने से सब पक जाएगा। एक्चुअली ये बाहर से देखने में थोड़ा कम पका लग रहा है ना, पर अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो आधा किलो टमाटर भी हो गए, और ये एक पाव अदरक। तो गाइस, मैं अदरक का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही करती हूँ, दाल में, सब्जी में, और हमारी चाय में, और नींबू पानी पीती हूँ तो उसमें भी डालती हूँ। तो इसलिए अभी थोड़ा अदरक पड़ा भी है, और एक पाव और ले लिया, पॉलिथीन में भी है। और ये देखिए, ये पालक का साग, इसको कट करना है, उसके बाद धुलना है। और ये बेथुआ हो गया, बेथुआ तो जानते हैं कि नहीं, एक्चुअली ये एक तरह का, ये भी साग है। और ये ऐसे महीन महीन होता है, मतलब कैसा देख रहा है आप लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा साइज है, लेकिन बेथुआ जो होता है जितना छोटा साइज का है उतना टेस्टी लगता है बनाने पे। तो गाइस, मैंने इतनी सारी सब्जियां लाए कल, अभी इसको सब सब्जी सब जमा के रखना है यार, बड़ा काम है मेरे को। तो मैं अभी चल रही हूँ, कुछ खा के सोऊंगी, फिर जब मैं सो के उठूँगी तो सो के उठने के बाद मैं सब जमाऊँगी अच्छे से, सब जगह पे रख दूँगी। अभी तो ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि यार मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये क्या है? हाँ, ये मूँगफली है, कौन खाएगा। कल मैं मेले में से लाई थी, एक्चुअली और भी था, रास्ते में दे दिया। और वो जिसके क्या बोलते हैं, वाइट वाइट होता है, उसको पीठा बोलते हैं, वो भी लाए थे। अरे वाह, एक्चुअली मैं ठंडा पानी पीती हूँ ना, तो मेरा वो क्या बोलते हैं, दांत दुखने लगता है, अभी भी दुख रहा है। तो गाइस, ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और थैंक यू।